हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम वीक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हमारी जो एसएससी सीजीएल सीजीएसएल एंड एसएससी सीपीओ में आए हुए डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, यानी जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज पर्टिकुलर हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज के सेशन में हम डीआई टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, किस शिफ्ट में आया, वो आपके लिए यहाँ पे देखिए एक साइड में मेंशन है। ठीक है, एग्जाम डेट भी मेंशन है, एग्जाम नेम भी मेंशन है। सीएचएसएल ने 2023 में आपके पास जो 7 अगस्त 2023 को हुआ था, ठीक है, और शिफ्ट नेम आपका दिया हुआ है, शिफ्ट टाइमिंग 9 AM से 10 AM। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन पेपर में आपके पास ये डीआई आई थी, किस टाइप का डीआई है। तो देखिए, हमारे एसएससी सीजीएल में जो डीआई आ रही है उसपे बेस्ड एक या दो क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, यानी नॉर्मली अगर हम बात करें तो एक डीआई पे बेस्ड 4 to 5 क्वेश्चन एवरी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पर यहाँ पर अगर हम इन एग्जाम्स में देखें तो जो डीआई हमें यहाँ पे दी जा रही है उसपे बेस्ड एक ही क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन का जो लेवल है ना, अगर हम कंपेयर करें तो वो वेरी इजी है। ठीक है, डिफिकल्ट तो है ही नहीं, इजी जिसे हम कहें। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया है, उसमें किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। द पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्री इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में जो ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया ना, वो दिया गया, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज है। फर्स्ट ही जैसे टीक, बनियन ट्री, ठीक है, एंड पाइन ट्री। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, इफ द फॉरेस्ट हैज 7500 पाइन ट्रीज देन फाइंड दी हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन फॉरेस्ट। हमें देखिए क्या दिया है कि इस फॉरेस्ट में ना पाइन ट्री जो है ना वो टोटल कितने हैं, 7500। ठीक है, और अगर हम पाइन ट्री की बात करें तो सबसे लास्ट परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, और इस फॉरेस्ट में टोटल ट्रीज पूछे गए हैं। तो देखिए, टोटल तो कितना होगा, 100% चाहिए इसी बात। अब पाइन ट्रीज हमारे पास कितने हैं, तो पाइन ट्रीज हमारे पास कितने दिए, जिसकी वैल्यू हमें देखिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज 25% एंड एक्चुअल में 75। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं 25% इज इक्वलेंट टू 7500, तो 1% इज इक्वलेंट टू 3। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी है, तो 100% की वैल्यू 300 × 100 कितना हो जाएगा, 30,000। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 30,000। तो हमारे पास टोटल इस फॉरेस्ट में ट्री कितने हैं, 30,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एक टेबल ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन है, और हमें यहाँ पे क्या दिया है, टेबल को हमें स्टडी करना है और उस पे बेस्ड क्वेश्चन का आंसर देना है। टेबल इंडिकेट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय 4 different companies। 4 different companies ने जो प्रोडक्ट है, इन कंपनी ने जो बनाए, जो सेल किए हैं, उसका डाटा हमें दिया है। और इसमें 3 types के प्रोडक्ट इस कंपनी ने बनाए हैं। फर्स्ट इज ए टॉप क्वालिटी, सेकंड इज ए मीडियम क्वालिटी, एंड थर्ड इज ए लो क्वालिटी। ठीक है, अब हमारे पास इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच कंपनी प्रोड्यूस द मैक्सिमम लो क्वालिटी प्रोडक्ट। इनमें से ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने मैक्सिमम लो क्वालिटी के प्रोडक्ट क्या किए, प्रोड्यूस किए हैं। तो ये सेल है तो प्रोड्यूस भी उसी ने किए होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या डाटा दिया, अगर हम बात करें लो क्वालिटी के प्रोडक्ट मैक्सिमम किसने प्रोड्यूस किए हैं, तो वो आपके पास कंपनी सी ने। ठीक है, किसने, कंपनी सी। तो हम इसमें डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि कंपनी सी ने मैक्सिमम लो क्वालिटी के प्रोडक्ट किए हैं, ये प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा टेबल ग्राफ पे बेस्ड है, और इसमें किस टाइप का डाटा दिया है। द टेबल शो द एनुअल इनकम ऑफ 5 schools इन 1000। हमारे पास जो टेबल है ना, उसमें 5 schools की एनुअल इनकम डिस्क्राइब की गई है, और 1000s की टर्म्स में। ठीक है, और 5 schools कौन कौन से नेम है, नेम इज पी क्यू आर एस एंड जी। ठीक है, अब उसमें उसके सोर्स ऑफ इनकम ना 3 types का। फर्स्ट इज ए ट्यूशन फीस, सेकेंड इज ए एक्टिविटी फीस, एंड थर्ड इज ए ग्रांट्स। तो देखिए, अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, इन हाउ मेनी स्कूल्स इज ट्यूशन फीस लेस देन द 4 times, ठीक है, दिस एक्टिविटी फीस। पहले तो देखिए, इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी करेक्शन, वो क्या है, हमें यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कितने स्कूल्स हैं इनमें से, ठीक है, जिसमें ट्यूशन फीस जो है ना वो 4 times लेस है किससे, एक्टिविटीज। ठीक है, 4 times लेस है किससे, एक्टिविटीज से। अब ट्यूशन फीस अगर मैं सबकी देखू ना, तो ट्यूशन फीस एक्टिविटीज फीस से सबकी मोर है, लेस नहीं है पहली बार। तो ये क्वेश्चन होना चाहिए था, इन हाउ मेनी स्कूल्स एक्टिविटी फीस लेस देन द 4 times लेस देन द ट्यूशन फीस। तो ये रिवर्स होना चाहिए था, यहाँ पे एक्टिविटी आना चाहिए था और यहाँ पे ट्यूशन फीस। तो ये एक टाइपिंग एरर है इस क्वेश्चन,
एक, क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो फिर ना नहीं बनता, क्योंकि इसमें तो ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है जिसकी ये ट्यूशन फीस क्या लेस है एज कंपैरिजन एक्टिविटी फीस से। यहाँ पे तो सारी मोर है, किसी भी स्कूल्स का डाटा देख लीजिए। अब लेस में अगर 4 टाइम्स का कंपैरिजन दिया गया और अगर मैं इस क्वेश्चन को करेक्ट कर देती हूँ तब आंसर क्या होगा? देखिए, इसके अकॉर्डिंग तो आंसर यही होगा ना, कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें क्या है ट्यूशन फीस क्या 4 टाइम्स लेस है एक्टिविटी से, तो इसके अकॉर्डिंग ना। अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं कि हाउ मेनी स्कूल्स इज द एक्टिविटी फीस इज 4 टाइम लेस देन द ट्यूशन फीस, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, तब प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर हम इसे करेक्ट करें? तो बेटा देखो, अगर 4 टाइम्स लेस की बात करें तो डायरेक्टली हम उसका 5 टाइम्स देखते हैं कि कौन सा ऐसा है जिसको डायरेक्टली 5 टाइम। क्यों? क्योंकि 4 टाइम्स लेस तो दोनों का डिफरेंस बता, 4 टाइम्स तो क्या बता रहा है, दोनों का डिफरेंस बता रहा है। डिफरेंस अगर 4 टाइम्स है तो फाइनली 5 टाइम्स होना चाहिए। तो अब 5 टाइम्स किस में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपके पास देखिए फर्स्ट स्कूल पी की जो एक्टिविटी फीस है वो 24, ठीक है, एंड अगर हम ट्यूशन फीस में तो 120, तो ये इसका 5 टाइम्स है, यस, तो पी का डाटा 5 टाइम्स। सेकेंड अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू में भी अगर 12 है और 12 का 60 से 5 टाइम का रिलेशन है, ठीक है। 45 में अगर हम देखें तो 45 में 5 टाइम्स का रिलेशन नहीं, 90 एंड 24 में भी 5 टाइम्स का रिलेशन नहीं, एंड 30 एंड 120 में ना 5 टाइम्स लेस नहीं होगा, 5 टाइम्स ही होगा, 4 टाइम्स लेस नहीं होगा, सॉरी 4 टाइम्स ही होगा, तो यहाँ पे भी 4 टाइम्स लेस का रिलेशन मेंटेन नहीं होगा। तो कौन से ऐसे स्कूल है अगर मैं क्वेश्चन को करेक्ट कर देती हूँ पी एंड, ठीक है, अगर हम करेक्ट कर देते हैं तो आंसर इज बी एंड क्यू, पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर इज ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है परसेंटेज, देखिए पाई चार्ट दिया, परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टीचर्स इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन स्कूल, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ द टीचर इज 600, टोटल नंबर ऑफ टीचर कितने दिए 600, एंड रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल टीचर इज 3:1, हमें मेल टू फीमेल टीचर का रेशियो 3:1 दिया, एंड टोटल टीचर्स हमें इन सब्जेक्ट्स के लिए कितने दिए 600। अब हमें रेशियो फाइंड करना है, द रेशियो ऑफ द टीचर इन संस्कृत एंड हिंदी, हिंदी एंड संस्कृत में जो टोटल टीचर है, एंड सेकेंड हमें इसके से मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी में। अब देखिए हमें यहाँ नंबर्स फाइंड करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, जब भी हमें रेशियो में डाटा पूछा जाए या कंपैरिजन पूछा जाए तो हम पाई चार्ट में जो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होता है उससे ही डायरेक्टली आंसर फाइंड कर सकते, ठीक है, हमें इसे नंबर्स में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नंबर्स में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। रेशियो फाइंड करना है तो रेशियो में हम डायरेक्टली इसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन भी रख सकते। तो देखिए संस्कृत सब्जेक्ट में परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन इज 10%, सेकेंड इज हिंदी, हिंदी ग्रे कलर से 10%, ये भी क्या है 10% इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, एंड सेकेंड इज मैथमेटिक, मैथमेटिक्स इज मस्टर्ड कलर, ये 20%, एंड फोर्थ इज बायोलॉजी, ठीक है, ये 20%। तो हमारे पास यहाँ पर जो टीचर का सम आ जाएगा ये टोटल 20% एंड ये 40%, एंड रेशियो इज 1:1, रेशियो इज 1:1, ठीक है, तो 1:2 बन गया, हमारा आंसर इज 1:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गर्ल्स इन 5 कॉलेज, ठीक है, ए बी सी डी ई, इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन 5 कॉलेज इज 2500, टोटल कॉलेज में गर्ल्स कितनी है 2500। अब हमसे पूछा गया व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज सी एंड, पहले तो देखिए कॉलेज सी में परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन जो गर्ल्स का दिया है वो कितना दिया है 20%। सेकेंड हमें परसेंटेज में ही कॉलेज ए के जो नंबर ऑफ गर्ल्स है उसका परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिया है 26, तो टोटल कितना हो जाएगा 46, तो टोटल परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा 20 + 26 = 46, ठीक है। अब हमें एवरेज फाइंड करना है तो एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 46 / 2, तो कितना 23, कितना 23%, ठीक है, एवरेज। अब हम इसे नंबर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, हमारे पास टोटल टोटल इन कॉलेज में गर्ल्स कितनी है तो कितनी है 2500, 2500 का मुझे क्या फाइंड करना है 23%, क्योंकि इन टू कॉलेज की सी एंड ई की जो गर्ल्स एवरेज गर्ल्स वो 23%,
ठीक है, तो हम इसे फाइंड कर लेंगे, तो 25 इंटू में 23, 25 इंटू 25 इज 625, उसमें से 50 लेस कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि माइनस 3 में से कैसे क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू माइनस 2, ठीक है, तो 25 इंटू 25 इज 625 माइनस 2, 25 इंटू 2 इज 50, तो माइंड में कैलकुलेशन करनी है ब्रेक करके, तो कितना आ जाएगा 575, ठीक है, तो एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज सी एन इज 575। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पर पाई चार्ट गिवन है और उसमें आपके पास डिग्री के टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, और किस टाइप का दिया गया, तो देखिए माधुरी मार्बल्स, सेकेंड इज जॉन्स मार्बल, तो आपको यहाँ पे मार्बल्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया। द पाई चार्ट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 36 मार्बल्स अमंग 3%, 3% के बीच में 36 मार्बल्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, देन द नंबर ऑफ मार्बल्स इन माधुरी, माधुरी के पास कितने टोटल कितने हैं 36, और ये इन टर्म्स ऑफ डिग्री किसके इक्वलेंट होंगे 360, तो मैं उसे डिवाइड करूंगी, और माधुरी का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 180, जो माधुरी को मार्बल्स मिले हैं वो 180 डिग्री, तो इसे सिंपलीफाई कर लेंगे, देखिए आपके पास यहाँ से 0 से 36 से ये 10 टाइम, डिग्री से डिग्री कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, और 10 से ये 0 से ये 0 कैंसिल 80, ठीक है, और डायरेक्टली भी हम देखें ना 36 मार्बल 360 डिग्री डिग्री में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और 180 डिग्री 18 मार्बल, डायरेक्टली हम बिना सॉल्व किए भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो माधुरी को कितने मार्बल रिसीव हुए, कितने हुए 80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाई चार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन दिया है हमें, और किस टाइप का डाटा दिया है हमें, द मार्क्स स्कोर बाय क्लास 10th, ठीक है, इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में क्लास 10th में जो स्कोर हुआ है ना उसका हमें डाटा, इफ द टोटल मार्क्स इज 1800, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हम कहें तो 100% होता है, एंड इन टर्म्स ऑफ डिग्री अगर कहें तो 360, यानी 360 डिग्री की वैल्यू हमारे पास टोटल मार्क्स कितने गिवन है 1800, तो यहाँ से 1 डिग्री के मार्क्स अगर हम कहें तो किसको डिफाइन करेंगे, तो आपके पास 1800 डिवाइडेड बाय 360, ठीक है, यानी कितने 5 मार्क्स, ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया है, देन फाइंड द मार्क्स इन सोशल साइंस, सोशल साइंस में उसने कितना स्कोर किया, जो ग्रे कलर से 72 डिग्री पर रिप्रेजेंट, ठीक है, तो 72 डिग्री, 1 डिग्री इज 5 मार्क्स, ठीक है, तो 72 डिग्री, ठीक है, तो हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे 72 इंटू में 5, ठीक है, किसी भी वैल्यू के 5 से मल्टीप्लाई करनी है उसका जस्ट हाफ, और उसमें एक जीरो ऐड कर, ठीक है, उसमें एक जीरो, 360 मार्क्स, उसे सोशल साइंस में कितने मिले हैं, तो सोशल साइंस में कितने मार्क्स मिले, 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, टेबल पे हमें डाटा रीड करना और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर देना, विच स्टूडेंट हैज लिस्ट वेट एंड लिस्ट हाइट अमंग देम, हमें सिर्फ नॉर्मली इसमें देख के बताना है डाटा में कि इसमें से ऐसे कौन सा स्टूडेंट है, ठीक है, जिसकी हाइट भी सबसे कम है और जिसकी वेट भी सबसे कम है, तो सबसे पहले अगर मैं वेट में देखूं सबसे लेस वेट किसका है, ए का, और अगर मैं हाइट में देखूं तो हाइट भी सबसे लेस किसकी है, ए, तो ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसकी लिस्ट हाइट और लिस्ट वेट है वो कौन है, स्टूडेंट ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, एक टेबल ग्राफ में डाटा दिया गया है और किस टाइप का डाटा दिया है, टेबल शो द ईयर वाइज प्रोडक्शन ऑफ द 4 क्रॉप्स इन ए विलेज ड्यूरिंग द 2018 2019 टू 2020 एंड 2022, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स हैं, ठीक है, 4 डिफरेंट ईयर्स में उसका डाटा रिप्रेजेंट किया गया, प्रोडक्शन डाटा, ठीक है, अब हमें किसका डाटा यहाँ पे क्वेश्चन फाइंड करना है, द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, देखिए हमें एवरेज प्रोडक्शन फाइंड करना है फर्स्ट बीट का, ठीक है, एंड देन एवरेज प्रोडक्शन फाइंड करना है पल्सेस का, और इनका मुझे डिफरेंस बताना है, क्या बताना है, डिफरेंस, एवरेज का डिफरेंस बताना है, तो मैं अगर यहीं से करूं तो मेरे लिए सम में ही डिफरेंस कर लूं तो वो ज्यादा इजी होगा, तो देखिए ये आपके पास वीट है और ये आपके पास पल्सेस है, अगर मैं इसमें से इसको डिडक्ट करूं तो पहले मैं एवरेज का डिफरेंस नहीं ले रही हूँ, सम का डिफरेंस, और देन उसको एवरेज फॉर्म में कन्वर्ट कर दी, ठीक है, सम का डिफरेंस 720 माइनस 410, तो 2018 में कितना है, तो 2018 में सम का डिफरेंस इज 310, ठीक है, ये 2008, 2019 टू 20, तो मैं 19 कंसीडर कर रही हूँ, उसमें उसमें कितना है, तो 680 माइनस वीट माइनस क्या कर रही हूँ यहाँ पे, वीट माइनस पल्सेस, ठीक है, 680 माइनस 380 इज 300,
के 2020, तो 790 माइनस 320, तो आपके पास कितना आ जाएगा 470, ठीक है 470। नेक्स्ट आपके पास 2020, ठीक है 690 माइनस 250, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 450। अब हमें एवरेज फाइंड करना है, तो एवरेज के लिए हम किससे, कि 4 इयर्स का डाटा है तो 4 से डिवाइड, ठीक 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 थ्री जा आपके पास 12, 3 रिमेनिंग रह जाएगा 4 8 जा 32 एंड 3 80, तो एवरेज कितना आ गया, एवरेज इज 3 80, ठीक है एवरेज इज 3 80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बार ग्राफ दिया है, किस टाइप का डाटा दिया है, कंपनी प्रोवाइड 5 डिफरेंट प्रोडक्ट, द सेल ऑफ द 5 प्रोडक्ट इन थाउजेंड्स नंबर ऑफ पैकेट्स, ठीक है ड्यूरिंग द 2019, हमें यहाँ पे 2019 में जो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ये क्या है आपके पास जो प्रोडक्ट सेल हुए हैं, ठीक है डिफरेंट कंपनीज द्वारा, ठीक है उसका हमें डाटा दिया है। अब देखिए हमें यहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट ई इन 2019। 2000 ए ने जो प्रोडक्ट 2019 में प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है प्रोडक्ट जो बनाए एंड 2019 में ही ई, देखो ए ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं वो कितने हैं 20, और ये इन टर्म्स ऑफ 1000, तो रेशियो फाइंड करने में कभी भी कंप्लीट डाटा की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ई नहीं, तो रेशियो कितना आ जाएगा, तो रेशियो इज 1 रेशियो, ठीक है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो, तो रेशियो आपके पास क्लियर है ये 40 है ई का, तो रेशियो क्लियर आ रहा है 1 रेशियो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बारग्राफ पे बेस्ड है, और किस टाइप का हमें यहाँ पे डाटा दिया है, द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग डिमांड एंड प्रोडक्शन ऑफ 5 कंपनीज बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, हमें यहाँ पे 5 डिफरेंट कंपनीज है बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और उनकी डिमांड एंड प्रोडक्शन दोनों दिया। अब ब्लू कलर से जो कॉलम डिफाइन हो रहा है वो डिमांड है, एंड जो रेड कलर से आपके पास कॉलम है वो प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन का डाटा डिफाइन कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, के परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एक्स, कंपनी एक्स का जो प्रोडक्शन है ना वो के परसेंट है किसका, डिमांड ऑफ द कंपनी डब्ल्यू, ठीक है और के की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए के परसेंट ऑफ कंपनी एक्स का प्रोडक्शन, कंपनी एक्स का प्रोडक्शन कितना है, तो कंपनी एक्स का प्रोडक्शन आपके पास क्या है, प्रोडक्शन किस कलर से डिफाइन हो रहा है, तो कंपनी एक्स का प्रोडक्शन तो ये आपके पास 800, ठीक है 800 का के परसेंट किसके इक्विवेलेंट है, डिमांड ऑफ फॉर दी कंपनी डब्ल्यू, तो डब्ल्यू की जो डिमांड है वो कितनी है आपके पास, तो कितनी है, ठीक है तो इसका ये आपके पास परसेंटेज का है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास 8 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 50, तो k परसेंट की वैल्यू इज 50%, ठीक है k की वैल्यू इज 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डबल पाई चार्ट में डाटा दिया, और फर्स्ट पाई चार्ट किसको शो कर रहा है, द नंबर ऑफ द अपीयर स्टूडेंट इन क्लास 12th, ठीक है 4 डिफरेंट आपके पास सेक्शन ए बी, 5 डिफरेंट सेक्शन ए बी सी डी, ठीक है और सेकंड हमें जो पाई चार्ट शो कर रहा है जो इन 5 सेक्शंस में ही नंबर ऑफ स्टूडेंट है, फर्स्ट वाला अपीयर हुए और जो सेकंड वाला है जिसमें जो स्टूडेंट पास हुए। अब हमें क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फॉर द एग्जाम, ठीक है इन ई सेक्शन, ई सेक्शन में जो स्टूडेंट है ना जो अपीयर हुए, तो हमें सिर्फ फर्स्ट पाई चार्ट की जरूरत है, सेकंड का इसमें यूज ही नहीं है, ठीक है टोटल स्टूडेंट जो अपीयर हुए हैं वो 1800 और ई सेक्शन में जो अपीयर हुए ना वो 58 डिग्री, ठीक है। अब हमें इसे किसमें कन्वर्ट करना था, परसेंटेज में, तो देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएंगे अपीयर स्टूडेंट, डायरेक्टली मैं परसेंटेज को ही किसमें, डिग्री को ही परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेती क्योंकि अपीयर स्टूडेंट पूछे गए इन टर्म्स ऑफ डिग्री में दिया है डाटा और उसे परसेंटेज में, आप यहां से क्या फाइंड करोगे, अगर यहां से फाइंड कर दें तो हमारे पास अपीयर स्टूडेंट आ जाएंगे जिसको हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं। हमें ये पूछा गया कितने परसेंट स्टूडेंट अपीयर हुए ई सेक्शन, कितने परसेंट, तो वो 58 डिग्री है, ठीक है और 360 डिग्री का, और इसे मुझे किसमें कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो इनटू 100, बस आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे डेसिमल में आंसर आएगा,
ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसके लिए अपियर स्टूडेंट ई सेक्शन में जो है उसको फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं, ये लॉन्ग अप्रोच है, ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाई चार्ट शो द पॉपुलेशन ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेशनल कार्पेट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ डेन। यहाँ पर हमें यहाँ पर डाटा जो दिया है ना वो 7 डिस्ट्रिक्ट नेशनल कैपिटल टेरिटरी में जो आपके पास पॉपुलेशन है उसका डाटा दिया गया, और टोटल हमें यहाँ पे क्या बताया गया है, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट इज 150 करोड़। हमें टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन दी गई 150 करोड़। फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए एंड डी, ए और डी की पॉपुलेशन फाइंड करें। तो देखिए टोटल है 150 7 डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें से ए का इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 13% एंड डी में जो है वो 7। तो टोटल अगर मैं ए एंड डी की बात करूं तो ए एंड डी में टोटल जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 30%। तो इस 150 करोड़ का 30%, तो इसे सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आएगा 45, ठीक है 45। ये बात क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया है, बारग्राफ है, ठीक है, जो 3 कॉलम पे बेस्ड है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड खादी। जब डिफरेंस पूछा जाए ना तो हमेशा हमें सम करके डिफरेंस कभी नहीं करना चाहिए, उसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। हमें टोटल प्रोडक्शन पूछा गया, यहाँ पर जो देखिए डाटा दिया है ना, आपके पास 5 टाइप्स के एक तरीके से यहाँ पर कॉटन डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, जूट, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर एंड, और 3 डिफरेंट कंपनीज ने प्रोडक्ट किए, ठीक है, प्रोड्यूस किए, वो प्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो कौन कौन से, कंपनी ए बी सी। तो अगर मैं कॉटन देखूं तो 3 कंपनीज का डाटा और तीनों कंपनीज के ने जो कॉटन प्रोड्यूस किया और तीनों कंपनी ने जो खादी प्रोड्यूस किया उसका डिफरेंस बताना है टोटल प्रोडक्शन का, ठीक है। तो देखिए हमारे पास कंपनी ए ने जो कॉटन प्रोड्यूस किया वो कितना है 140, और अगर कंपनी ए की बात करूं उसने जो खादी प्रोड्यूस किया वो कितना है 180। और यहां से मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है खादी का डाटा ग्रेटर, तो मैं डायरेक्टली डिफरेंस बताना है तो खादी माइनस कॉटन, ठीक है, तो डायरेक्टली मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा। तो देखिए 118 माइनस 114, तो पहला डिफरेंस कितना आया कंपनी ए का 4 प्लस का 4। सेकंड देखें तो सेकंड आपके पास कंपनी बी ने जो खादी प्रोड्यूस किया है वो 120, ठीक है, और कॉटन जो प्रोड्यूस किया 120, तो उनका डिफरेंस जी। नेक्स्ट कंपनी सी ने खादी जो प्रोड्यूस किया 125 एंड कंपनी सी ने जो कॉटन प्रोड्यूस किया 121, डिफरेंस इज प्लस 4, तो इनका डिफरेंस प्लस 4 प्लस 4 इज 8, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस इज, और ये हमें डाटा किसमें दिया है, जिस पे टर्म्स में गिवन है, तो यहाँ पे देखिए 8 आपके पास, तो डिफरेंस इज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टेबल ग्राफ में डाटा दिया गया। द टेबल गिव्स द नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट एनरोल इन 4 डिफरेंट कॉलेज ए बी सी डी इन ए सिटी ओवर ए ईयर 2010 टू 2014, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द फाइनल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग दिस ईयर। देखिए हमारे पास क्या दिया, आपके पास 5 डिफरेंट ईयर्स में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने एनरोल किया है, ठीक है, 4 डिफरेंट कॉलेज में एंड जिन्होंने पास किया उसका डाटा दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज स्टूडेंट हु एनरोल द कॉलेज जी, कॉलेज जी में जिन्होंने एनरोल किया, ठीक है, एंड एवरेज नंबर ऑफ, और उसमें भी एवरेज, एंड एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास दी फ्रॉम कॉलेज डी ओवर ऑल द ईयर, डी कॉलेज में जिन्होंने पास किया, ठीक है, और उसका भी एवरेज, इनके बीच में रेशियो पूछा। तो देखिए सबसे पहले मैं ऑल ईयर के रिस्पेक्ट में कॉलेज डी में जो एनरोल स्टूडेंट है वो लू, तो वो कितना आ जाएगा 710, ठीक है, सेकेंड इज 750 एंड थर्ड इज, देखिए यहाँ पे मैं रेड कलर से उसे टिक मार्क कर दी जाती हूँ, 680, ठीक है, 720 एंड 740, ये एनरोल है। पास कितनी है हमारे पास 650, 710, 640, 690 एंड 700। अभी उनका हम सम कर लें और इनके बीच में रेशियो बता दें। एवरेज के लिए देखिए डिवाइडेड बाय करेंगे, एवरेज में जो रेशियो आएगा और जो सम में आएगा सेम होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसको सम करते हैं तो आपके पास 9 प्लस 1 10, ये 10 एंड 10 इज 20, ठीक है, तो 0 और ये 20 का भी 0, 2 कैरी फॉरवर्ड, 6 3 18 प्लस 40,
18 प्लस 14 इज 32, 32 प्लस 2 कैरी फॉरवर्ड इज 30। सिमिलरली से ऐड करेंगे तो ये आपके पास 10, 10 प्लस 10 अगेन 20 का 2 कैरी फॉरवर्ड, 7 4 जा 28 प्लस 2 30, 36 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय एवरेज एव सॉरी एव डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 5 इयर्स का रहा, ठीक है एवरेज एवरेज हो गया। देखो जब रेशियो फाइंड करते हैं तो एवरेज और सम सेम बात आएगी, तो 5 से 5 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 2 से मिनिमाइज करेंगे, ठीक है तो ये 18:7, ठीक है तो रेशियो इज 18:7, ठीक है एनरोल स्टूडेंट एंड पास स्टूडेंट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, पाई चार्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। The pie chart show the distribution of the marks score by Ram in five different subjects. Five different subject में राम ने जो स्कोर किया ना उसका डाटा हमें नहीं आ गया, और हमसे क्या पूछा गया, what is the ratio of central angle of maths and central angle of science? देखो पहले मैं एंगल में कन्वर्ट करूं देन रेशियो, जो उनका जो स्कोर है, ठीक है जो वो परसेंटेज में दिया है चाहे उसे हम एंगल में कन्वर्ट करें, रेशियो तो सेम ही होगा ना। कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हो, देखो मैथ्स में जो सेंट्रल एंगल बन रहा है और साइंस में उसका रेशियो बताना है। मैथ्स में जो परसेंटेज में है वो 20% एंड साइंस में जो स्कोर किया है वो 30%, परसेंटेज में दिया है बजाय एंगल के, ठीक है परसेंटेज में गिवन है बजाय आपके पास एंगल के। तो अगर मैं इसे परसेंटेज की जगह एंगल में कन्वर्ट करूं तो ये 100 से डिवाइड और 360 से मल्टीप्लाई एंगल में कन्वर्ट करें, इसको भी सिंपल, परसेंटेज में है तो 100 से डिवाइड 360 डिग्री से मल्टीप्लाई। अब देखो रेशियो जब होता है ना तो जो चीज जो चेंजेस हम दोनों में सिमिलर करते हैं वो कैंसिल आउट, 360 से 360, 100 से 100 कैंसिल आउट, 0 से 0, रेशियो इज 2:3। तो डायरेक्टली मैं पहले ही कर सकती थी, जो इनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन था 20 एंड 30 इनके बीच में रेशियो डिवाइड कर लेते 2:3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेबल रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ 4 डिफरेंट एरियाज, ठीक है एंड परसेंटेज ऑफ मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन अमंग देम। हमें यहाँ पर देखिए क्या फाइंड करना है, 4 डिफरेंट एरियाज में हमें पॉपुलेशन दी गई है, ठीक है मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन, ठीक है और यहाँ पर पॉपुलेशन दी गई है जैसे एरिया पी की टोटल पॉपुलेशन दी है, क्यू की, आर की, एस। अब हमें पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन एरिया पी एंड क्यू। देखो पी में सबसे पहले टोटल पॉपुलेशन कितनी है 10,000, जिसका 20% क्या है उसमें से चिल्ड्रन, 20% इज 1/5, ठीक है तो आप इसका 1/5 फाइंड कर लेंगे तो पॉपुलेशन चाइल्ड कितने चिल्ड्रन कितने हैं तो वो 2,000 एरिया पी। सिमिलर क्यू की फाइंड कर लें, टोटल पॉपुलेशन इज 20,000 जिसमें से 30% क्या है चिल्ड्रन, ठीक है तो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6,000। अब हमसे टोटल पूछा गया था, टोटल पूछा गया था तो 2,000 प्लस 8,000 इज 6,000 इज 8,000। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन टॉपिक, ठीक है।